हमीरपुर के अनुसिंथेटिक खेल मैदान में जिला स्तरीय 3 दिवसीय एथलेटिक प्रतियोगिता का समापन हो गया है। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी सोमदत्त संख्या ने शिरकत कर विजेता और उपजेता टीमों को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता में जिला भर के स्कूलों के 500 बच्चों ने हिस्सा लिया। समापन अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि डिप्टी डायरेक्टर को शाल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाल स्कूल प्रिंसिपल अंजू देवी, डीपीओ रजिंदर सिंह, प्रवीण सिंह भी मौजूद रहे। डिप्टी डायरेक्टर सोमदत्त संख्यान ने कहा कि विजेता खिलाड़ी जिला का प्रतिनिधित्व प्रदेश की खेलों में करेंगे। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, वह मायूस न हो और अपना प्रयास जारी रखें। साथ ही खेलों में बढ़िया प्रदर्शन न होने पर भी डिप्टी डायरेक्टर ने चिंता जाहिर की और उम्मीद जताई कि बच्चे आगे के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं थी उसमें भाग लिया, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस बार जो बच्चों की पार्टिसिपेशन थी पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा थी। तो जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी उतना ही अच्छा कंपटीशन बच्चों को मिलता है और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्यारे बच्चों, खेल और पढ़ाई एक दूसरे के परिपूरक हैं और अगर दोनों साथ साथ चलते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। खेल सुनने में और देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें अगर हमने किसी मुकाम तक पहुंचना है तो कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जो भी खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं, वहां उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो उनको इतनी आसानी से कामयाबी नहीं मिली है। उन्होंने दिन रात मेहनत की है और शायद उसी की बदौलत वो उस मुकाम तक पहुंचे। तो आप बच्चों से भी आग्रह है कि जो इस फील्ड में अपनी दिलचस्पी रखते हैं कड़ी मेहनत करें और उस मेहनत की बदौलत जो है अपना सही मुकाम हासिल। बाकी इस प्रतियोगिता में जो बच्चे विजेता रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, वो हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अभी जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है उनसे मेरा आग्रह है कि वहाँ अच्छा प्रदर्शन करें और अभी तक मैं देख रहा था कि हमारे जो जिले का प्रदर्शन है मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा है, जो भी इससे पहले प्रतियोगिताएं हुई हैं। तो जो कमी रही है उस कमी को आप बच्चे पूरा करेंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और जो बच्चे किन्हीं कारणों से इस प्रतियोगिता में कोई स्थान हासिल नहीं कर पाए हैं उन्हें भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, अपना प्रयास जारी रखें और आने वाले समय में आपको जरूर सफलता मिलेगी। इस स्तर तक पार्टिसिपेट करना ही आप अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और जहां तक सरकारी स्तर पर बात है, आप सबको पता है कि सभी विद्यालयों में सरकार ने एक आधारभूत ढांचा जो है विकसित किया है खेलों के लिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाए गए हैं, वहां खिलाड़ियों का चयन होता है और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां कोचेज रखे गए हैं। और अभी जो हमारी एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी अंडर 19 गर्ल्स की, तो उसमें मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उन हॉस्टल्स में जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो बच्चे जा रहे हैं।